एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शुलेन होती है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में सभी के साथ फाइट कर रही होती है, बट कोई भी उसे टक्कर नहीं दे पा रहा होता और उससे बच के भाग रहा होता है। तभी जो फ्लेमिंग होती है वो सभी से बोलती है कि तुम लोग भाग क्यों रहे हो, अपनी ट्रेनिंग को याद करो और इसके साथ फाइट करो, और सभी के अंदर जोश भर जाता है। वो लोग अपनी फाइट करना शुरू करते हैं और एक फॉर्मेशन धारण कर लेते हैं, बट जो शुलेन होती है वो उनकी इस फॉर्मेशन को पल भर में ही तोड़ डालती है। हमें दिखाया जाता है ब्लेड भी ये फाइट एक कोने में खड़े होकर देख रहा होता है। तभी फ्लेमिंग उसके एक वीक स्पॉट को ढूंढ लेती है, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। हमें दिखाया जाता है किंग भी इस फाइट को आराम से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी सिरेन बोलती है इन लोगों में थोड़ा तो दम है, इन लोगों ने उसके एक वीक स्पॉट को है वो हासिल कर लिया, उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं। किंग बोलते हैं कि हाँ ये वर्थ इट है, बट यार एक प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शुनेल होती है वो धुएं में से रिटर्न आ जाती है। इसी के साथ वो सभी के ऊपर अटैक करने लगती है, तो ये देख के ब्लेड काफी हैरान होता है। तभी किंग बताते हैं क्योंकि इसके जो स्कल्स है यानी जो इसकी खाल है वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि इसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होगा। शुनेल होती है वो धीरे धीरे करके आउट ऑफ कंट्रोल है वो हो रही होती है, जिससे वो काफी लोगों को घायल कर चुकी होती है और कुछ लोग मिलके उसे हील कर रहे होते हैं सभी को। प्लेन होती है वो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल ही हो चुकी होती है। तभी किंग होते हैं वो ब्लेड के पास आके बोलते हैं क्या हुआ, तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आखिरकार वो चीज है क्या। ब्लेड अपने साथियों से बोलता है कि अब तुम्हारे पास चांस है, और इसी के साथ वो लोग अपनी फाइट को रेडी करते हैं। सोफी होती है वो शुनेल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है, और नीचे से फ्लेमिंग भी होती है वो अपने अटैक इस्तेमाल कर रही होती है। किंग बोलते हैं कि उसे ये छोटे मोटे जख्म से है वो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका कवच इतना मजबूत है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लेड बोलता है कि वो फाइट में इतनी मशगूल हो गई थी, वो अपने आसपास पे ध्यान रखना ही है वो भूल गई, और अचानक से वो एक गड्ढे में गिर जाती है। अभी किंग ब्लेड से बोलते हैं कि बट मैंने तो सोचा था ये एक फेयर फाइट होने वाली। तो ब्लेड बोलता है कि मैंने कब कहा इसमें हमने चीटिंग की है, आप जरा नीचे देखिए। हमें दिखाया जाता है लियोनार्ड होता है, उसने जमीन में गड्ढा खोद दिया होता है जिस पे शुनेल ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होता, जिसके कारण वो नीचे गिर गई होती है। किंग बोलते हैं कि वाह ये थोड़ा अच्छा बात है, बट यार ये उसे हराने के लिए काफी नहीं है। तो जो हमारा ब्लेड अपने मन में बोलता है कि फाइट तो अब शुरू होगी। इसी के साथ शुनेल होती है वो सभी के ऊपर अटैक करने लगती है, बट जो फ्ले होती है वो यहाँ पे पीछा नहीं हटना चाह रही होती है। इसी के साथ वो अपनी अस्मोडियस के साथ आगे बढ़ने लगती है, वो शुनेल के ऊपर काफी ज्यादा फाइट है वो कर देती है, और लियोनार्ड से बोलती है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। लियोनार्ड होता है वो अपनी ड्रिल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर बढ़ता है, बट उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी खाल इतनी मजबूत होती है, तो क्या ही बोले। लियोनार्ड बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी परवाह मत करो। अब हमें दिखाया जाता है शुनेल होती है वो धीरे धीरे करके आसमान में उड़ने लगती है। इतने में ही आर्नेश यानी फ्लेमिंग होती है वो आती है और उसके ऊपर अटैक करती है, और उसे फिर से जमीन में पटक देती है और बोलती है कि सोफी अब तुम्हारी बारी है। सोफी आते ही अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन पंच का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन में घुसा देती है। अब ब्लेड बोलता है कि फ्लेमिंग अब तुम्हारी बारी है, चलो शुरू करो। फ्ले होती है अपने आस्मोडियस को बोलने लगते है कि मेरी बात मानो और उसके ऊपर अटैक करो, और ऐसा ही होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। किंग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि हमारे स्टूडेंट है वो इतने ज्यादा कैपेबल हैं। तो जो ब्लेड बोलता है कि उसमें अकेली फ्ले की ताकत नहीं है, वो बोलता है कि यहाँ पे सभी के लड़ने का जज्बा एक बंदी के साथ है वो जुड़ा हुआ है। सीधे कहा जाए तो सब अपनी पावर फ्लेमिंग को दे रहे होते हैं, क्योंकि सबका एक मकसद है, तो एक ही अपॉर्चुनिटी चाहिए। फ्ले होती है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। ब्लेड होता है वो बोलता है शुनेल नोटिस करो कि आखिरकार एक नॉर्मल ह्यूमन क्या कर सकता है। अब उस स्टेडियम में काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। हमें दिखाया जाता है शुनेल की हांफे हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल थक चुकी होती है। अब जो ब्लेड होता है वो शुनेल के पास आता है, वो बोलता है कि क्या हुआ, तो वो बोलते है कि मैं हार गई। तो जो हमारा ब्लेड बोलता है तो उसमें क्या हुआ, तो वो बोलते है कि मैंने अपने पेरेंट्स यानी आपको डिसअपॉइंट किया। ब्लेड बोलता है कि असल में ऐसी बात नहीं है, तुमने इन्हें कमजोर समझ लिया था, तुम कमजोर नहीं हो बट ये तुमसे कमजोर नहीं है। ब्लेड बोलता है क्या तुम अब ये एडमिट करती हो कि ये तुमसे पावरफुल हैं और इनके साथ दोस्ती करोगी। शुनेल भी होती है पहले नखरे करती है, ब्लेड के समझाने के बाद तुरंत मान जाती है, सभी को अपना दोस्त बनने के लिए रिक्वेस्ट करती है। सभी लोग भी होते हैं बस यही चाहते हैं, इसलिए सभी मान जाते हैं। अब उस स्टेडियम को फिर से रिपेयर किया जाने लगता है, और किंग होते हैं वो अपनी सेक्रेटरी से बोलते हैं कि क्या बात है, स्टूडेंट काफी बढ़िया और उनकी स्पेशल एनर्जी भी। कुछ ही देर में उस जगह को फिर से फिक्स कर दिया जाता है। सभी लोग होते हैं वो खाना करने के लिए बैठ जाते हैं, और सभी लोग होते हैं वो शुलेन को खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो भी हो प्यारी बच्ची ही लगती है, तो बच्ची को तो यार ऐसा बिहेव करना ही पड़ता है। शुलेन जैसे ही किसी के हाथ से खाना खाती है उसके तो खुशी के साथ वे आसमान पे चढ़ने का वक्त आ जाता है। सभी लोग होते हैं शुनेल को काफी पसंद कर रहे होते हैं, और शुनेल भी अब काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई होती है। ब्लेड होता है वो आर्नेस्ट यानी फ्ले को नोटिस करता है, वो बोलता है तुम आज कुछ डिफरेंट लग रही हो। भी लोग होते हैं वो फ्ले से बोलने लगते हैं तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, इसका तो देखने का नजरिया ही खराब है। इतने में लियोनार्ड बोलता है कि चलो फाइनली इसने नोटिस तो किया। फ्ले भी थोड़ा गुस्सा करने लगती है, इतने में ही वो उसका गुस्सा बढ़ाते हुए बोलता है
हाँ, तुम्हारे बाल थोड़े व्हाइट हो गए और तुम थोड़ी मोटी भी हो रही हो। वैसे सभी लोग होते हैं ब्लेड को गिल्टी कहने लगते हैं, तो ब्लेड बोलता है आखिरकार मैंने क्या किया। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लेड होता है वो फ्ले के कमरे के बाहर बैठा होता है और जो शुलेन उसे सहला रही होती है। ब्लेड यहाँ पे सिंपली फ्ले से माफी मांगने के लिए बैठा होता है क्योंकि फ्ले ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होता है। ब्लेड बोलता है क्या इसका मतलब अब मैं उसे कभी भी नहीं देख पाऊंगा, तो सामने से लड़कियां बोलने लगते हैं कि शायद हम कभी अब दोस्त ना रहे, शायद किसी मिलजुल में वो मिल जाए, बट ऐसे नहीं। ब्लेड का सिर पूरी तरीके से चकराने लगता है, वो बोलता है अर्नेस्ट प्लीज बाहर आ जाओ मुझसे बात करो। वो उसे धार धार के माफी मांगने लगता है। तभी लड़कियां बोलती हैं बस तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि एना तुम पे क्यों है, वो थोड़ी गुस्सा है और तुम उसके पास जाओगे तो तुम उसे थोड़ा और गुस्सा कर दोगे। ब्लेड थोड़ा डेस्परेट होने लगता है। इतने में ही वो लड़कियां बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा आराम करो और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, इतनी छोटी सी बात में कोई दोस्ती नहीं तोड़ता है। और इसी के साथ हमारा जो ब्लेड होता है वो थोड़ा शांत होता है। अगले दिन वो फिर से अर्नेस्ट से माफी मांगने आता है अपने दोस्तों के साथ, बट वो दरवाजा नहीं खोलती है। तो एक लड़की होती है वो अपने पास एक चीज निकाल के दरवाजा खोल देती है। अर्नेस्ट होती है वो एक कोने में बैठी होती है और काफी हिल रही होती है, तो वो बोलते हैं तुम रो रही हो। तभी शुलेन बोलते हैं कि काफी टेस्टी लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी। हमें दिखाया जाता है कि जो फ्ले होती है वो एक कोने में बैठ के काफी पेस्ट्रीज और स्नैक्स है वो खा रही होती है। अर्नेस्ट बताती है कि जब से उसने शुलेन के साथ फाइट किया तब से उसकी भूख काफी ज्यादा बढ़ने लगी, इसलिए वो इतना खाने लगती है। इतने में ही ब्लेड बोलता है अर्नेस्ट मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्या अभी हम दोस्त हैं। अर्नेस्ट बोलने लगती है कि ऐसी बात नहीं है बट मैं अभी तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती, और वो बोलती है कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। ब्लेड ये बात सुन के बुरा मान के वहां से जाने लगता है, तो वो लोग उसे पकड़ के बोलते हैं वो तो अपने डिफेंस में कर रही, तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो। और वो बोलते हैं कि तुम्हें उसे मनाने के लिए कुछ कहना चाहिए, तो ब्लेड होता है उसके पास जाता है, वो बोलता है क्या तुम्हें थोड़ा और कुछ चाहिए। उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि दो धारी तलवार मत बोलो वरना तुम्हारे ऊपर जो डैमेज पड़ेगा पकड़ नहीं पाओगे। लियोनार्ड होता है वो अपने दोस्तों के कहने पर उसे मनाने जाता है और काफी ज्यादा रोमांटिक बिहेव करता है, बट फ्ले उसे पटक के पेलती है। बट ब्लेड के समझाने से वो बड़े प्यार से उसकी बातें सुनने लगती है। ब्लेड बोलता है हम तो दोस्त हैं क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी, और ये बात सुन के जो हाय 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 फ्ले तुरंत मान जाती है हाय क्या यही मतलब है, और फिर से खाना शुरू कर दिया। तो ब्लेड बोलता है अब खाना बंद करो वरना और मोटी हो जाओगी। अगले दिन वो लोग होते हैं वो फ्ले से काफी ज्यादा ट्रेनिंग करवाते हैं। फ्ले और शुलेन होती है वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी वरना तुम पतली नहीं हो पाओगी। वो अलग अलग प्रैक्टिस उससे करवाने लगते हैं, ट्रेनिंग करवाने लगते हैं। शुलेन फ्ले के बीच में तो अच्छा कंपटीशन चल रहा होता है, बट फ्ले यहाँ पे काफी मोटी थी। अब जो हमारा ब्लेड होता है वो उसके खाने को काफी ज्यादा ये वो कम कर देता है। दर दर की ठोकरें खाती हुई फ्ले हर तरह से फंस चुकी होती है। वो लोग उसे हॉट स्ट्रीम बाद भी ये वो देते हैं जिससे बॉडी पे थोड़ा तो इफेक्ट पड़ ही जाएगा, बट इससे भी फ्ले को काफी ज्यादा ये वो दिक्कत होने लगती है। इतनी ज्यादा मेहनत और कोशिशें करने के बाद भी फ्ले का वजन बिल्कुल भी कम नहीं होता और सभी बोलते हैं कि इतना बढ़िया नहीं है बट थोड़ा तो ठीक है। फ्ले पूरी की पूरी डेस्परेट हो जाती है। इतने में ही हमें दिखाया जाता है ब्लेड ऊपर से आता है और झांकते हुए बोलता है, बोले उससे पहली लड़कियां बोलती हैं अबे साले कड़वे तू इतना क्यों देख रहा है। ब्लेड गिर जाता है और जमीन पे लेटते हुए बोलता है कि मैं कोई हीरो वीरो है वो नहीं हूं। तभी लियोनार्ड बोलता है क्या बकवास कर रहा है भाई। धीरे धीरे करके वो लोग काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने लगते हैं फ्ले के ऊपर, और फ्ले के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन होते हैं वो लोग होते हैं फाइट करने की कोशिश करते हैं कि यार एक्सरसाइज करके और ये सब करके तो काम नहीं बनेगा, चलो फाइट ही कर लेते हैं। फ्ले होती है वो ब्लेड से बोलते है कि मेरा वेट कम करने में प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब जो फ्ले होती है वो अपना इस्तेमाल करने लगती है अस्मोडियस को और उसके ऊपर ही फायर फेंकती है। भाई गर्दा यार बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारे अर्नेस्ट के उसका ऊपर। तभी बाकी के लोग वहाँ पे आके बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, तो ब्लेड बोलता है इस चीज के अंदर अर्नेस्ट है, और ब्लेड बोलता है मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो फाइनली अपने काम को कर ही देगी। अब हमें दिखाया जाता है फ्ले होती है वो फाइनली अपने आप को बना ही लेती है फिट और सेक्सी। यहाँ पे उसे देख के तो वैसे सभी की फटी चुकी होती है क्योंकि आग में झोंकना हमारी परंपरा नहीं है। यहाँ पे फ्ले काफी ज्यादा ये वो बैडास है वो लग रही होती है। तभी शुनेल होती है वो बोलती है कि आखिरकार इसकी बॉडी को क्या हुआ है, तो ब्लेड बताने लगता है कि जो इसका इम्यून सिस्टम है वो इसकी फिजिकल नॉलेज को सब कुछ ऐसे बदल रहा है क्या पता। अब यहाँ पे जो फ्ले होती है वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा खतरनाक है वो होने लगती है, बट जो भी हो यहाँ पे वजन कम करना है तो दौड़ा तो कुछ है वो झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी मेथड इस्तेमाल की जा रही हो, जो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर जा रही है उसे सिंपली वे में बाहर निकाला जा रहा है, पर यहाँ पे कोई भी उसकी इस बात को नहीं समझ रहा होता और धीरे धीरे करके उसकी फ्लेम कम हो जाती है और अब वो है वो पतली भी हो जाती है बट भूखी भी होती है। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि मैं भूखी हूँ, बड़ी सेक्सी लड़की है।
सभी लोग बोलते हैं कि ये किसी तरीके के बीस्ट में बदल गई है। अफ्ले होती है काफी ज्यादा रफ्तार से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगती है, बट ब्लेड होता है वो अपनी ब्लेड लेके खड़ा होता है, आई मीन टू से अपनी स्वॉर्ड। ब्लेड होता है काफी ज्यादा तेज हवा का झोंका लाता है और फ्ले के ऊपर अटैक करता है। अब माहौल पूरा शांत हो जाता है, पर यार ये सीन समझ में नहीं आया हमारा ब्लेड आर्नेस्ट को नेकेड क्यों पकड़ा हुआ है। ब्लेड को देख के आर्नेस्ट काफी ज्यादा ये वो खुश होती है, बट शायद ये भूल चुकी होती है कि नंगी अवस्था में है। मुझे कुछ गलत समझने से पहले चलो एपिसोड को फिर से शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आर्नेस्ट ने फिर से अपना वही हाल कर लिया होता है, खा के फिर से मोटी हो गई होती है। पर तुम्हें मोटा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि यार जरूरी है यार।